Good morning, class. How are you? I hope you are well at your home. Hope you are studying. So without wasting any time, let's continue our class. So children, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, based on that, these are the exercise. You have to answer these questions. Okay, this fill in the blanks and try to answer this. फिर मैं next video में आपको इसके answers कराऊंगी. Okay? Food chain. In the living world, all animals feed on other animals or plants and in turn become food for other animals. Yes, ये जो हमारी सृष्टि है कैसे चलती है? कोई भी पर्टिकुलर थिंग है उसको कोई दूसरा खाता है, उसके साथ फिर उसको वो जब मर जाए या फिर उसको कोई दूसरा खा करके अपना पेट भरेगा, फिर उससे दूसरा खा करके अपना पेट भरेगा, फिर दूसरा उससे उसको खा करके अपना पेट भरेगा. तो उस तरीके से जो नेचर है, जो एनवायरमेंट है, उसमें जो एक दूसरे एनिमल्स हैं वो एक दूसरे को खा करके या एक दूसरे के साथ रह करके सर्वाइव करके इस एनवायरमेंट को चलाते हैं. और इस चेन को, द चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड द फूड चेन. All animals depend on plants for food directly or indirectly. ठीक है, सारे जितने भी animals हैं, human beings including, वो plants पर directly या indirectly dependent हैं. Thus a plant is always a beginning of a food chain. ठीक है, इसीलिए हमेशा एक food chain की जो beginning है वो कहाँ से start होगी? Plants से start होगी. For example, a grasshopper eats grass, a frog eats grasshopper, a snake eats frog, a snake can be eaten by an eagle. Understood? Now, this is grass. Grasshopper ne kisko khaya? Grass ko. Frog ne kisko khaya? Grasshopper ko. Fir frog ko kisne khaya? Snake ne. Aur snake ko kisne khaya? Eagle ne. तो इस तरीके से एक दूसरे को एक दूसरे से खा करके ये चेन हमारी कंटिन्यू होती है. सो दिस इज नोन एज अ फूड चेन. अब कंप्लीट द सिंपल फूड चेन गिवन हियर. सबसे पहले किससे स्टार्ट होगी हमारी? वही प्लांट से. तो ग्रास, ग्रास को कौन खाया? रैबिट. और रैबिट को कौन खाएगा? यहाँ पर आपको 3-letter वर्ड ढूंढना है और इसको फिल करना है. ओके, नाउ दीज आर द की टर्म्स. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, लैपिंग, फूड चेन मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको. ये सारे आपको किस में लिखने हैं? आपकी नोटबुक में लिखने हैं, प्लस आपको लर्न करना है. सो चिल्ड्रन, नाउ आवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड. यू हैव टू रीड द चैप्टर, यू हैव टू डू द बुक एक्सरसाइजेस एंड यू हैव टू अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंट की टर्म्स. That what are herbivores, carnivores, omnivores, lapping, food chain, and you have to learn this also. Okay? फिर बाकी की इसकी exercise हम कल करेंगे. Thank you.